के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर अटकलों का दौर लगातार तेज है कि पायलट जल्द ही कांग्रेस पार्टी छोड़ सकते हैं, अपनी नई पार्टी का वह गठन कर सकते हैं। जानकारी दे दें कि बीते कल से खबरें तेजी से वायरल हो रही हैं कि सचिन पायलट की नई पार्टी का नाम होगा प्रगतिशील कांग्रेस या फिर राज जन संघर्ष पार्टी, ये दावे किए गए हैं। प्रशांत किशोर के वह संपर्क में बने हुए हैं। ये तमाम अटकलें लगातार तेज होती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन इन्हीं अटकलों के बीच सचिन पायलट ने पार्टी हाईकमान को एक बड़ी खुशखबरी दे दी है। खुशखबरी ये है कि उनके करीबियों का यही दावा है कि सचिन पायलट कहीं भी जाने वाले नहीं है। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रही हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। दरअसल आपको बता दें कि सचिन पायलट जो दिन प्रतिदिन अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए नजर आए, उन्होंने तीन बड़ी मांगे की और ये तीन बड़ी मांगे अगर पूरी नहीं होती है तो वह राज्य में आंदोलन छेड़ सकते हैं, जो गहलोत सरकार के लिए बेहद बड़ी मुसीबत बन सकता है। क्योंकि पायलट अगर यहाँ से पार्टी छोड़कर जाते हैं, कांग्रेस को छोड़ते हैं, तो पायलट के का जो वर्चस्व है वो 30 से 40 सीटों पर देखने को मिलता है। ऐसे में सचिन पायलट अगर नई पार्टी का गठन करते हैं तो ना सिर्फ कांग्रेस को बल्कि भारतीय जनता पार्टी को भी भारी नुकसान हो सकता है। और इसी बीच सचिन पायलट को लेकर जो अटकलें तेज हैं कि 11 जून के दिन वह कोई अहम ऐलान कर सकते हैं। सचिन पायलट के पिता स्वर्गीय राजेश पायलट की पुण्यतिथि है 11 जून के दिन और इस खास दिन पर वह दौसा पहुंचेंगे, जहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा हर साल की तरह इस साल भी। लेकिन सचिन पायलट के करीबियों का कहना साफ तौर पर रहा है कि वह ऐसी कोई भी अनाउंसमेंट नहीं करने जा रहे हैं। इसी बीच देखा जाए तो सचिन पायलट के करीबियों ने अपनी बात रखी, नई पार्टी बनाने का उनका कोई भी इरादा नहीं है। पायलट ने यह तय किया है कि वह कोई नई पार्टी नहीं बना रहे, वे कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में ही रहेंगे, वे अपनी पार्टी में रहकर ही संघर्ष करते रहेंगे। दरअसल सूत्रों के मुताबिक सामने आया है कि उनका कहना है कि कांग्रेस तो उनके खून में है। सूत्रों से ये भी पता चला है कि 11 जून के दिन सचिन पायलट जयपुर में कोई रैली नहीं कर रहे। सचिन पायलट ने बताया कि वह अपने पिता राजेश पायलट की पुण्यतिथि पर दौसा में एक श्रद्धांजलि सभा कर रहे हैं। 11 जून 2000 को सचिन पायलट के पिता राजेश पायलट जी इस दुनिया को अलविदा कहकर चले गए। अब कहा जा रहा है कि अब राहुल गांधी जो विदेश दौरे पर हैं, अमेरिका में हैं, अमेरिका से जब वह वापस आएंगे, जिन्होंने आश्वासन दिया कि वह धैर्य रखें, समय पर सबको कुछ कुछ मिलेगा। अब कहा जा रहा है कि राहुल गांधी से मुलाकात के बाद सचिन पायलट के तीन मुद्दे तय किए जाएंगे, उन्हें कांग्रेस का राष्ट्र महासचिव बनाया जा सकता है या फिर उन्हें राजस्थान के कैंपेन कमेटी का संयोजक बनाया जा सकता है। तीसरी और उनकी आखिरी मांग ये है कि उनके समर्थकों को टिकट मिले। अब देखना ये होगा कि सचिन पायलट के लिए यहाँ पर क्या कुछ सोच विचार किया जाएगा राहुल गांधी की तरफ से। और सचिन पायलट ने यहाँ पर यह बड़ा फैसला लिया है कि वह कांग्रेस में ही रहेंगे, जो पार्टी हाईकमान के लिए बड़ी खुशखबरी मानी जाएगी। हाँ, आपको बता दें कि 2018 में सचिन पायलट ने चुनाव लड़े थे कांग्रेस के लिए और जीत भी हासिल कराई, लेकिन गहलोत को मुख्यमंत्री बना दिया गया। इस पूरे ही मामले पर आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, ये आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।